चालू है। सो हाय, मैंने इस चैनल पे खूब सारी मेहनत करी, मेरी टीम के कुछ लोगों के साथ सार्थक, मैं और भी कुछ लोगों ने बिहाइंड द सीन्स मेहनत करी आपको फ्रंट एंड सिखाने के लिए। हमने हमारा सबसे बेस्ट कंटेंट यहाँ पे डिलीवर किया एंड मैं बिल्कुल प्राउड फील करता हूँ कि हमने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फ्रंट एंड का लेवल बढ़ाया है। आप लोग कुछ भी कहें, मुझे पता है मैंने और मेरी टीम ने अपना बेस्ट दिया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हो, जाके चैनल पे देखिए किस लेवल पे फ्रंट एंड हमने पढ़ाया। बट ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, ये वीडियो हमारी तारीफ के बारे में नहीं है, बट ये वीडियो है आपको अब बैक एंड के बारे में बताने के लिए। इस चैनल पे इस मेरे बोलने के तुरंत बाद आप शुरू करोगे बैक एंड की पढ़ाई मेरे साथ, मेरे बेहतरीन मेहनत जो मैंने इस वीडियो में पुट करी है उसके साथ। इस वीडियो का नाम है बैक एंड लर्न व्हाट मैटर्स वन। क्यों? क्योंकि अभी एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम कोड वाला पार्ट देखने वाले हैं। मैं हमेशा मानता हूं किसी भी स्टूडेंट को बैकएंड पढ़ाने से पहले आपको उसे यह सिखाना चाहिए कि एग्जैक्टली इंटरनेट क्या है। कई वेबसाइट्स पे HTTP दिखता है और कईयों में HTTPS, ऐसा क्यों? और मैं सिर्फ थ्योरी पे बात नहीं कर रहा हूं, आपको उसे एक्शन दिखाना चाहिए। मैं मानता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले उसे पता होना चाहिए सर्वर क्या होता है, दिखता कैसा है, छोटा होता है, बड़ा होता है, इस रूम के बराबर या इस बिल्डिंग के बराबर कितना हो सकता है। ये सारी चीजें एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए और तभी उसे बैकएंड पढ़ना शुरू करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली वहां पे कोडिंग वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, बट अगेन कई बार हम इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे सबने किया हुआ है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज यूट्यूब पे देखे, रिसर्च करी, समझा कि वो क्या सही नहीं कर रहे हैं, और इस पूरे बैक एंड लर्न व्हाट मैटर्स सीरीज में हमने उसी को सॉल्व किया है। शेरियंस कोडिंग स्कूल अपने टॉप नॉच कंटेंट के लिए जाना जाता है, और आज मैं आपके पास लेकर आया हूं बैक एंड लर्न व्हाट मैटर्स वन, जिसके अंदर हम सर्वर, क्लाइंट, HTTP, HTTPS, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, यहाँ पर एक राउटर लगा हुआ है उसके बारे में भी जाना है, सब कुछ जो एक्शन आपको दिखाएंगे। ये वीडियो काफ़ी रॉ होने वाला है जिसमें मैंने अलग अलग जगहों पे जाके चीज़ें करी हैं और दिखाया है, समझाया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि यार मेरे एफर्ट्स आपके लाइफ में ज़रूर एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब लेकर आएंगे रिलेटेड टू बैकएंड। और अगर आपको भी बढ़िया लगता है, यू नो व्हाट टू डू, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, प्लीज एक बार कमेंट करके मुझे बताना क्या मैंने जो मेहनत पुट करी वो सही थी या नहीं। इट्स टाइम वी शुड बिगिन एंड वेलकम टू शेरियंस कोडिंग स्कूल। लेट्स स्टार्ट बैक एंड लर्न व्हाट मैटर्स वन। लेट्स गो। हेलो, हाय, इस वीडियो में बहुत सारी बातें करनी है, सर्वर, इंटरनेट, HTTP, HTTPS, बात करेंगे इंटरनेट कैसे काम करता है, क्लाइंट क्या होता है, मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, ये सब हमने सुना होता है, राइट? मैं सच बताऊं, हमारे कॉलेजेस में, हमने लाइफ में काफी सुना होता है, भैया वो सर्वर क्रैश हो गया, भैया वो क्लाइंट जो था ना वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, भैया वो आईपी एड्रेस पकड़ा गया, भैया मैक एड्रेस बोलते, तो ये सारी चीजें अपन ने सुनी है, लेकिन वी नेवर नो एग्जैक्टली ये होती क्या है एंड इनका रियल लाइफ यूज क्या है। बहुत सारे ऑडियंस को नहीं पता, पता नहीं खास बात क्या है, इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। लेट्स गो, क्योंकि ये शुरुआत है बैकएंड जर्नी की इस यूट्यूब चैनल पे। शुड बी बिग, राइट? वैसा मजा आना चाहिए कि बैकएंड पढ़ने के साथ। भाई गलत कह रहा हूं क्या? गलत कहते हो? हाँ, मैं कई बार गलत कहता हूँ, लेकिन इस बार नहीं, भाई सही कह रहा हूँ। ठीक है, चलो, ठीक है, नाइस। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे इंटरनेट से। आई वॉन्ट हर्ष, तुम ये सिस्टम दिखा दो एक बार। ठीक है, ये हो गया बड़े भाई एक सिस्टम। तो एक सिस्टम यहां रखा है और हर्ष मेरे साथ आओ बाहर, कहीं लॉक है। थैंक यू भाई, सब नई टेक्नोलॉजी है, ऐसे ठोक को गेट खुल जाता है। लेट्स गो। हमारे पास अनुराग है, लेकिन इसे मत देखो, आप देखो इधर, इधर ये रखा है दूसरा सिस्टम, वहां रखा है तीसरा सिस्टम, और भी दो चार हैं, और भी दो चार, सच में दो चार। यहाँ पे रिस्सू है, ये सिस्टम नहीं है, ये अंकुर है, ये भी सिस्टम नहीं है, बट अरे हर्ष, ये हर्ष का मैकबुक है जो हमने दिया है, ऐसा मत सोचना किसने खरीदा है, ये हम लोगों ने शेरियंस वालों ने इसे गिफ्ट दिया है, तो ये कभी बता नहीं पाएगा आप लोगों के, मतलब कि इसने खुद से खरीदा है। नाइस। तो एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये है, और एक वेरान चला रहा है, एक वो रखा हुआ है, ये CPU एक तैयार हो रहा है अभी। तो अगर अपन समझे तो लॉट्स ऑफ सिस्टम, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, अब सोचो ये सारे सिस्टम्स दुनिया के अलग अलग कोने में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक अमेरिका में, एक इंडिया के तीन अलग कोने में, अलग अलग जगहों पे सिस्टम्स रखे हुए हैं, और हमें समझना है इंटरनेट। आज मुझे आपका साथ चाहिए, पूरा फोकस, लेट्स गो एंड लेट्स अंडरस्टैंड इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है। पहला एक सिनेरियो, मैंने अपने फोन से, लेट्स से मेरा फोन कहा, मेरा फोन तो ये है मेरा मोबाइल दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस मोबाइल से हे लिख के भेज दिया,
अब मुझे ये बताओ, ये मैंने ही किसी को भेजा है, हर्ष मुझे ये बताओ क्या इसमें कोई भी वायर अटैच्ड है? नहीं नहीं है, सही है। तो सवाल नंबर एक, जब इसमें कोई वायर नहीं है तो इसका मैसेज अमेरिका जा कैसे रहा है, राइट? तो उसका जवाब समझते हैं। इस मोबाइल फोन से, अगर आपने एक मूवी देखी उसका नाम है लूसी, लूसी मूवी के एंड में बहुत सारी डिवाइसेस से आपको रेज निकलती हुई दिखेंगे, वो पार्ट लगा देना यार लूसी वाला, ठीक है? और अब क्या सीन है सुनना मेरी बात ध्यान से, इस मोबाइल से इस वक्त रेज निकल रही है जो हम देख नहीं सकते, ठीक है? वो हमारी आईज को दिखती नहीं है, बट वो रेज जाती है नियरेस्ट टावर तक, जो इस एरिया का नियरेस्ट टावर होगा जियो का, वहां तक वो रेज जाती है। या फिर हम कह सकते हैं ये मोबाइल उस टावर तक अपना डेटा पहुंचाने की कोशिश करता है, राइट? और वो डेटा जाता है इमेजिनरी, ऐसा सोचो इमेजिनरी डेटा है जो हमें दिख नहीं रहा है, उसका नाम है पैकेट्स, ठीक है? ज्यादा पीछे नहीं जाओ हर्ष, थोड़ा आगे जाओ। तो अपन को बात करनी है, मैंने जो हे लिख के भेजा, ये हे ये सेंड किया, ये डेटा मोबाइल फोन से बाहर निकला, और जो इमेजिनरी डेटा आप सोच रहे हो वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जाएगा कहां तक? नियरेस्ट टावर तक। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मोबाइल से डेटा निकला है इसकी इतनी क्षमता नहीं होती है कई किलोमीटर दूर तक चले जाए, और अगर ये आप इसे कई किलोमीटर दूर तक लेकर जाओगे तो उसका जो आप कह सकते हो इंटेंसिटी है वो धीमी होती जाती है और डेटा में आ जाते हैं एरर्स। तो इसीलिए जब आप टावर से काफी दूर होते हो तो आपको दिखता है कि यार भाई साहब ना नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है, अभी तो फुल आ रहा है क्योंकि हम टावर के पास में हैं, लेकिन कई बार जब आप नेटवर्क कम होता है वो इसका मतलब क्या है, आप टावर से दूर हैं और आपके मोबाइल फोन से डेटा उस टावर तक प्रॉपरली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ आवाज कटेगी जब आप बात करोगे, या कई बार मैसेज फेल होंगे, डिलीवर नहीं होंगे, ये सब, राइट? और हम अभी इंटरनेट ही समझ रहे हैं, लॉन्ग स्टोरी है, इसलिए आई वॉन्ट योर सपोर्ट, पूरे ध्यान से सुनना। तो मैंने ही भेजा, डेटा निकला पैकेट्स के फॉर्म में, हमने यहां तक पढ़ा, पहुंच चुका है टावर तक। सवाल नंबर एक, अब क्या होगा, अभी अमेरिका कैसे जाएगा? अब मेरी बात सुनिए, वो जो टावर ने डेटा रिसीव किया है वो रिसीव किया पैकेट्स के फॉर्म में, और अब टावर उसे कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो कि नीचे जमीन के नीचे जो वायर्स डले हैं उसके थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा इंडिया से समुद्र के रास्ते, कहां तक? अमेरिका तक। और समुद्र के रास्ते वो पहुंचेगा अमेरिका, अमेरिका उसे रिसीव करेगा और वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तक उस बंदे जिसको मैंने मैसेज भेजा है उस बंदे के नियरेस्ट टावर तक मैसेज को पहुंचाएगा, और फिर वापस वो टावर कन्वर्ट करेगा उस मैसेज को पैकेट्स के फॉर्म में, और जो उसका मोबाइल फोन टेबल पे रखा हुआ था उस तक वो पैकेट्स आएंगे और घंटी बजेगी टन टन, और वहां पे लिखा हुआ होगा यू रिसीव्ड अ मैसेज। So that's how this internet thing works. पर हमने अभी जो केस समझा है वो तो है जब हम मैसेज अमेरिका भेजेंगे। सवाल है अगर मुझे मैसेज यहां से कहीं पास में भेज रहा हूं तब फिर क्या होगा? तब फिर भी यही होगा, मैसेज आपने भेजा हे गया टावर तक, टावर से गया आपके इधर, समथिंग बोल रहा था, एक खास बात, रास की बात बता रहा हूँ, कान इधर लाओ, तो कान में रास की बात बता रहा हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कौन है? मेरे केस में जियो है, तुम्हारे केस में हो सकता है एयरटेल हो, आइडिया हो, यू नेवर नो। तुम्हारे केस में जो भी तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जो भी कंपनी है, वो उस रिक्वेस्ट को रिसीव करती है, उसको चेक करती है क्या ये एड्रेस मेरे लिए वैलिड है। वैलिड मतलब कई सारी वेबसाइट्स ब्लैकलिस्ट होती है, गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट करी, जिनमें यू नो वाला कॉन्टेंट, काली वाली वेबसाइट, येलो कलर से एक इमेज आती है, इफ यू नो वीडियोज चलती है उस पर, बिल्कुल सही, तो वो वीडियोज, वो वेबसाइट ब्लॉक्ड है। तो ISP मतलब जियो चेक करता है कि इस बंदे ने एक रिक्वेस्ट करी है फोन से, क्या मुझे ये रिक्वेस्ट ओपन करनी है या नहीं, अगर व्हाइट लिस्टेड है तो ओपन होगी और ब्लैक लिस्टेड है तो वहीं पर बंद होगी। तो ये रही कहानी, मैंने ही भेजा, ISP जियो तक पहुंचा, टावर से जियो तक पहुंचा, जियो ने रिसीव किया, ओके ठीक है ये तो दिल्ली जाना है मैसेज, ठीक है काम करो इसे दिल्ली भेज दो, एंड अब वो दिल्ली जाएगा, वो बंदा जहां भी बैठा होगा उसके नियरेस्ट टावर तक, और वहां से फॉर्म लेगा वापस का पैकेट्स का। तो साहब आप ये कह रहे हो फोन से डेटा निकला पैकेट्स में, टावर से कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, फिर ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू, उन केबल्स को हम ऑप्टिकल फाइबर्स बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू वो डेटा दूसरी देश तक जाता है समुद्र के रास्ते, हाँ, और समुद्र के रास्ते दूसरा देश उसे रिसीव करता है, हाँ, और फिर उसे वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल तक टावर तक भेजता है, हाँ, और फिर उसे पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, हाँ, और ये चीज क्या कहलाती है?
इंटरनेट. तो इफ यू कनेक्ट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स विथ ऑप्टिकल फाइबर्स एंड यू गिव देम दैट टावर थिंग एंड इफ यू यू नो मेक श्योर के पैकेट्स रिसीव एंड सेंड हो सके, और अगर हर एक डिवाइस इन चीजों को कर पाए, तो दिस कंप्लीट पिक्चर इज कॉल्ड इंटरनेट, जो आप और मैं यूज कर रहे हैं. सवाल नंबर एक और बहुत इंपॉर्टेंट, हु ओन्स इट. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी ओन दिस चेयर, वी ओन दैट बीन बैग, वी ओन दिस लाइट, वी ओन दिस लाइट, वी ओन दिस पंखा. पंखा तो दिखा दो, कम से कम कैसे मत कर, पंखे रिस्पेक्ट दो थोड़ा, ये मत कर. हाँ, तो वी ओन ऑल ऑफ दिस. सवाल है इंटरनेट को कौन ओन कर रहा है. इंटरनेट को कोई ओन नहीं करता दोस्त. इंटरनेट कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेट क्या है, ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वायर. सी, ये वायर को देखो, इस वायर को देखो ध्यान से, पास से देखा हो हर्ष. तुम मुझे ये बताओ, क्या ये वायर कभी तुम्हें मना करेगी कि नहीं मुझे इलेक्ट्रिक सिग्नल मत दो. हाँ, ऐसा हो सकता है खराब हो जाए, तो हम चेंज कर देंगे इसे, सिंपल एज दैट. बट ऑप्टिकल फाइबर्स दे आर वेरी वेरी फास्ट और वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो जल्दी खराब ही नहीं होती, डोंट वरी अबाउट दैट. बट इस वायर पे अगर बात करें तो मुझे बताओ, मतलब अगर तुम इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये ऊपर तक पहुंचाए, योर लाइट जलाएगी, सिंपल एज दैट. इंटरनेट भी तो यही है, डेटा इसके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसमें खत्म होने की कोई बात ही नहीं है. पर सर, हमारा 300 MB का पैक तो खत्म हो जाता है. वो इसलिए क्योंकि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये है मेन कल्प्रिट. एक्चुअली वो वी वोंट से कल्प्रिट, बट ये वो जनाब है जो मेजर करते रहते हैं कि आपने कितना बिट्स एंड बाइट्स का डेटा ट्रांसफर कर दिया. जैसे ही नंबर टच करता है 300, वहां पे इफ एल्स पढ़ा था क्या तुमने, बस एक इफ एल्स चल जाता है. इफ तुम्हारा डेटा मैच हो गया, स्टॉप एंड से कि तुम्हारा डेटा पैक खत्म हो चुका है, डेटा पैक वापस रिन्यू करो. और अगर ये मैच ना करे, आपकी लिमिट उसके नीचे है, अभी तक आपने खत्म नहीं किया 300 MB, अलाउ करो उसको यूज करने के लिए. समझ रहे बात को, कंडीशनल्स. अरे वही इफ एल्स वाला, राइट. सो ये रही इंटरनेट की कहानी. अब हम जाएंगे अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है वो डब्बा, वो ये वाला देख तो लो, इसका नाम है राउटर. एंड हमें समझना है आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस को, और व्हाट्सएप पुराने टाइम में हैक कैसे हो जाता था. इंटरेस्टिंग रहेगा, लेट्स गो. तो डब्बे में बात करनी थी और डब्बे में बात करेंगे. तो हमने काफी ज्यादा चर्चा सुनी है अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड आईपी एड्रेस. भाई साहब, ये आईपी एड्रेस पकड़ा गया भैया, वो आईपी पकड़ा जाएगा आपका. लेकिन देयर इज अनदर वन कॉल्ड मैक एड्रेस. एंड मैं सच बता रहा हूँ, एज अ डेवलपर आपको राउटर, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, सर्वर, क्लाइंट, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस एंड इंटरनेट, इनके बारे में और आईएसपी, इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, राइट. अब बैक एंड डेवलपर बन रहे हो तो ये सब तो पता होना चाहिए. तो सवाल है कि ये हैं क्या, लेट्स गेट देम अनमास्क्ड. चलो आओ, तो फटाफट यहाँ पे एक डब्बा लगा हुआ है, इस डब्बे को ध्यान से देख लो, गौर से. और ये डब्बा लगा हुआ है जियो का राउटर. अब जियो का राउटर में सीन क्या है कि मैंने फॉर एग्जांपल इस मोबाइल फोन को अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, ठीक है. अब मैंने एक मैसेज भेजा, हेलो, क्या मेरा मोबाइल फोन इस वक्त डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है? नहीं, मेरा मोबाइल फोन कनेक्टेड है वाईफाई से, और वाईफाई कनेक्टेड है इंटरनेट से. तो हम ये कह सकते हैं, मैंने जो हे भेजा है वो पहले वाईफाई ने रिसीव किया है राउटर ने, और फिर वो फॉरवर्ड किया गया है, सही है. अब जो वहां से रिस्पांस आएगा, वो रिस्पांस पहले इसके पास आएगा हेलो, और फिर मुझे रिसीव होगा हेलो, सही है. अब बात सुनो ध्यान से, इस डब्बे के पास जिसका नाम राउटर है, इसके पास मेरे फोन का आईपी एड्रेस नहीं, कह सकते हो आईपी एड्रेस पे ऑपरेट नहीं करता, करता है ऑपरेट मैक एड्रेस पे. और पुराना व्हाट्सएप भी ऐसे ही हैक होता था. सुनो, फॉर एग्जांपल मैं तेरा फोन ले ले रहा हूँ भाई आर्यन, बुरा मत मान प्लीज. हमारे पास दो फोन्स हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं इस डब्बे से, और भी 3-4 फोन्स हैं इस रूम में जो कनेक्टेड हैं उसी डब्बे से. सार्थक वहां पे बैठा है, मान लेते हैं, नहीं बैठा है वैसे तो, मान लेते हैं उसने हे भेजा, इसने भी हेलो भेजा किसी को, मैंने और भाई कैसा है भेजा किसी को, और तीनों लोगों के रिस्पॉन्सेज आए इस डब्बे के पास. अब सवाल यह है कि यह डब्बा किसका रिस्पॉन्स किसे दे, राइट. हाई का रिस्पॉन्स भी आया, हेलो का भी आया, और भाई कैसा है का भी रिस्पॉन्स आया है. तीनों के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं, और सही रिस्पॉन्स सही बंदे को मिलना चाहिए. तो इस डब्बे को पता कैसे चलेगा, वहां पर रोल में आता है मैक एड्रेस. सीन ये है, ये डब्बे के पास प्रत्येक डिवाइस का मैक एड्रेस होता है. मैक एड्रेस सेक्शन में तब आता है जब आप एक लोकल एरिया में होते हो. सी, मैं, ये, वो, बहुत सारे लोग इस एरिया में इससे कनेक्टेड है, इस ऐसे टाइप के नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं.
ठीक है। तो अब हम क्योंकि इससे कनेक्टेड हैं, जो भी डेटा आएगा वो इसके पास आएगा और फिर ये डेटा डिलीवर होगा मेरे पास, कह सकते हैं, राइट। तो इसको कैसे पता चला? दैट इज व्हाट मैक एड्रेस इज ऑल अबाउट। अगर इस डिवाइस का मैक एड्रेस ABCD है और इस डिवाइस का मैक एड्रेस DEFG है, तो ये बंदा DEFG का मैसेज DEFG को डिलीवर करेगा और ABCD का ABCD को। अब सुनना, मान लेते हैं किसी तरीके से ये हैकर है और इसने अपना मैक एड्रेस DEFG से चेंज करके ABCD रख दिया। अब दोनों डिवाइसेस का मैक एड्रेस क्या है? ABCD। तो अब जो मैसेज आया है हेलो, वो मैसेज दोनों डिवाइसेस को डिलीवर होगा, इस ABCD को भी और इस ABCD को भी। और यही वो तरीका है जिसके हेल्प से पुराने टाइम में व्हाट्सएप हैक हुआ करता था, जब तक उन्होंने एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं बनाया जिसके अंदर अब एक शेयर्ड की होती है जिसके बेसिस पे आपका मैसेज डिक्रिप्ट होता है। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग, इन्होंने सेम तो कर लिया, ABCD मैसेज तो आया, बट क्योंकि वो डिक्रिप्ट नहीं होगा क्योंकि फोन के बहुत ही कह सकते हो सीक्रेट आइडेंटिटीज के बेसिस पे डिक्रिप्ट होता है, तो अब क्योंकि वो डिक्रिप्ट नहीं होगा तो आप मैसेज पढ़ नहीं पाओगे। बट पुराने टाइम पे बिकॉज ऑफ द सेम मैक एड्रेसेस यू यूज टू रिसीव द मैसेजेस। सही है क्या यहाँ तक समझ आया? और इससे हेल्प भी होती थी, जिन लोगों के पास गर्लफ्रेंड नहीं थी उनके पास गर्लफ्रेंड भी हो जाती थी, तो मैसेज आए थे ना लोगों के, मतलब महिला मित्र के, तो उसको भी डिलीवर हुआ, इसको भी डिलीवर हुआ। तो ऐसी हेल्प से जो हमारे सिंगल लड़के होते थे उनको बहुत ही हेल्प हो जाती थी। बट अफसोस दोस्तों, अब ऐसा नहीं हो सकता। आई फील सॉरी अबाउट देम, पर कोई बात नहीं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सर्वर एंड क्लाइंट एंड HTTP एंड HTTPS। एक बार में खत्म करेंगे और फिर चलेंगे कोड करने, लेट्स गो। तो ये काजू किशमिश खा रहा था मैंने, एक दो खा ली, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम बहुत दूर बैठे हो, लेकिन अपन सर्वर समझने जा रहे हैं। चलो इधर आओ। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ChatGPT से, एंड आई सीरियसली वॉन्ट कि आप इसे देखें, प्लीज आइए। सो एकदम जूम लेना हर्ष, एकदम पास में आओ, एकदम पास में, और पास में, और पास में। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। कैन वी से इफ एनी कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड इज प्रोग्राम्ड टू रिसीव रिक्वेस्ट एंड गिव रिस्पॉन्स बैक इज कॉल्ड सर्वर, येस और नो? मैं हिंदी में बताता हूँ, इधर आओ, फिर उसका जवाब पढ़ेंगे कि उसने क्या बोला। मैंने ये बोला है, मान लो ये कंप्यूटर है, मान लो, बोलो हाँ। अब ये कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है, वायर से कनेक्ट है, सिम से कनेक्ट है, कैसे कनेक्टेड है, बस कनेक्टेड है, ठीक है। और मैंने इस पर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी है कि कोई भी दुनिया में बैठा हुआ बंदा इस तक एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ये वाली फाइल दो, ये वो फाइल भेज देगा। कुल मिला के इसको प्रोग्राम किया गया है कि कहीं से भी कोई इस तक आए, इससे बोले ऐसा ऐसा कर दो, ये उसका रिस्पॉन्स भेज दे। समझ गए? इतना प्रोग्राम किया, सी से किया, जावा से किया, किसी भी चीज से किया, फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता, बस इसे प्रोग्राम कर दिया गया इस कंप्यूटर को कि इंटरनेट में कोई भी आ जाए इस तक, भाई ये वाली फाइल देना, तो ये वो फाइल निकाल के भेज दे, दैट्स इट। तो ऐसी मशीन को क्या हम सर्वर कहेंगे? मैंने ये पूछा है ChatGPT से। अब आओ आंसर पढ़ते हैं। कम Yes, you can generally say that a computer connected to the internet and programmed to receive requests and provide responses is commonly referred to as a server. However, it's important to note that there are various type of servers. बहुत सारे type के servers होते हैं, each serving specific purpose. ठीक है? Some common type of servers include web servers. This is जो हम जिसके लिए prepare हो रहे हैं, हमें जो पढ़ना है, सीखना है। उसके बाद एक होता है ईमेल सर्वर्स, इनके हेल्प से आप ईमेल्स भेजते हो। फाइल सर्वर्स, FTP वाले सर्वर्स जो फाइल्स शेयर करते हैं। डेटाबेस सर्वर्स, ये भी हमें पढ़ना है बैकएंड में, ठीक है। एंड मोर को छोड़ो। द टर्म सर्वर इज ऑफन यूज्ड एज अ ब्रॉड कैटेगरी फॉर एनी कंप्यूटर। तो हम ये कह सकते हैं सर्वर जो है वो एक कंप्यूटर होता है, और सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विसेज और रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स और क्लाइंट्स ओवर अ नेटवर्क। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये तो बड़ा कठिन सा इसने बता दिया साहब, थोड़ा सा इसको मतलब समझ रहे ना, मतलब अपना वो थोड़ा फ्लेवर हो जाता है वो देसी वाला, तो बहुत कृपा हो जाती। आओ फिर समझते हैं, लेट्स गो। तो मान लो इस रिमोट को देखो, ठीक है, इस माउस को देख लो, ठीक है, माउस आई एम सॉरी बुरा मत मानो, ठीक है। अच्छा अच्छा, कम हियर, इस टेबल को देखाना हर्ष, इस रिमोट को देखो, इस माउस को देखो,
इस डब्बी को देखो और इस अगले रिमोट को देखो। एक मिनट के लिए मेरी बात मान के ऐसा सोचो, ये सब कंप्यूटर्स हैं, इनमें रैम लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है, सब कुछ, दुनिया भर की चीजें जो होती हैं सिस्टम में वो सब लगी हुई हैं। सोच लो एक मिनट के लिए, ठीक है। अब ये सोचो, ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, कोई वायर से कनेक्टेड है, कोई सिम से कनेक्टेड है, कोई लैन केबल वायर से कनेक्टेड है, कोई हो सकता है किसी और तरीके से कनेक्टेड, बट कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सारे कनेक्ट हो गए, सही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब देखो गेम, इसके पास ये एक फाइल है, ठीक है, ये बंदा अमेरिका में बैठा है, ये फ्रेम में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, चलो ये बंदा अमेरिका में बैठा है, ये बंदा, ठीक है। इसने बोला इसको, अब कैसे बोला बाद में देखेंगे, इसने बोला इसको, भाई फाइल देना, इसने ये फाइल उठाई और ये यहां भेज दी। अच्छा, तो सवाल नंबर एक, क्या यहां से हट जाएगी फाइल? नहीं, कॉपी जाता है, इसका एक कॉपी बनेगा और वो कॉपी यहां चला गया, सर्व हो गया। मैंने एक वर्ड बोला, सर्व हो गया, इसने मांगा और इसने भेज दिया, इसको हम कहते हैं सर्व करना, राइट। तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस सर्व कर रहा है, कह सकते हैं। तो ये ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसको आपने प्रोग्राम किया हो कि इंटरनेट पे कोई आके इससे कोई फाइल मांग के अपने आप तक लेकर जा सके, ऐसे डिवाइस को हम सर्वर कहते हैं। और ये चीज सेम रहेगी बाकी डिवाइसेस के साथ भी, चाहे वो ये डिवाइस हो, फर्क नहीं पड़ता। वो डिवाइस इस कमरे के बराबर है, इतना छोटा है, रिमोट कंट्रोल ड्रोन में लगा हुआ है या कहां पर है, रियली डजंट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज कि डिवाइस शुड बी अ कंप्यूटर सिस्टम, शुड बी कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड शुड बी प्रोग्राम्ड, सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, रियली डजंट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज शुड बी प्रोग्राम्ड। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप प्रोग्राम कर सकते हो, राइट, प्रोग्रामिंग ही तो होती है जो 0-1 में कन्वर्ट होती है, तो फर्क नहीं पड़ता जावा से प्रोग्राम्ड है, पाइथन से प्रोग्राम्ड है, जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम्ड है, या किससे प्रोग्राम्ड है। इट शुड बी प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड फॉर व्हाट? अ कंप्यूटर सिस्टम शुड बी प्रोग्राम्ड फॉर कि कोई भी इंटरनेट से आए, उससे बोले मुझे लिए फला टास्क करो, वो फला टास्क करे और उसका रिस्पॉन्स भेज दे, दैट्स अबाउट इट। तो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को हम सर्वर कहते हैं। नंबर एक क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट, इधर आओ। तो ये सिस्टम हमारा रखा हुआ है, क्या हम इसे सर्वर कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसे अभी तक प्रोग्राम नहीं किया इंटरनेट पे फाइल्स को सर्व करने के लिए। क्या और कोई कमी है इसमें? नहीं। ये कंप्यूटर सिस्टम भी है, ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, दो चीजें तो ऑलरेडी डन है, पर मैंने अभी तक इसे प्रोग्राम नहीं किया है इंटरनेट पे फाइल्स को सर्व करने के लिए, और जब मैं इसे प्रोग्राम करूंगा, दैट्स वेयर द गेम चेंजेस, फिर ये एक सर्वर बन जाएगा। सवाल नंबर दो, सर जब आप इसे प्रोग्राम कर दोगे और ये सर्वर बन जाएगा, तो क्या मैं इसमें नॉर्मल कंप्यूटर काम नहीं कर सकता? कर सकते हो। तो मैं नॉर्मल कंप्यूटर का काम करते हुए भी, इसे सर्वर बनाते हुए भी, सर्वर की तरह ट्रीट करते हुए भी गेम खेल सकता हूं? हाँ। और मैं सर्वर भी चला सकता हूं? हाँ। तो मैं दोनों कर सकता हूं? हाँ, एक ही टाइम पे? हाँ, बिल्कुल। तो फिर बहुत सारे लोग क्यों नहीं करते? अब सुनो, आप कंप्यूटर की पावर या प्रोसेसिंग को यूज नहीं करना चाहते to play the game and provide less power या less resources कि वो files को serve करे। आप चाहते हो कि वो ज़्यादा fast हो, ज़्यादा बढ़िया तरीके से compute करे, processing ज़्यादा heavy हो, और इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, internet पे आप जो servers देखते हैं, उनमें लोग क्या करते हैं? इधर आओ। उनमें वो ये screen हटा देते हैं, ये screen ही हटा देते हैं, वो speakers हटा देते हैं, वो mouse हटा देते हैं, keyboard हटा देते हैं, बचता है तो सिर्फ ये डब्बा, इसका नाम है CPU। और अभी हम देखेंगे कुछ इमेजेस, और हर्ष, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो गूगल का पूरा वो एक जो उन्होंने बना रखा वेयर हाउस, उसकी इमेज लगा दें, ठीक है। अब देखो, ये सारे CPUs हैं, जस्ट CPU, कोई स्क्रीन नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, जस्ट अ CPU विथ वायर्स, राइट। और ये CPUs, अच्छा तो फिर ये स्क्रीन क्यों हटा दिया, लगे रहने देते? सुनो, दो रीजन है। पहला, स्क्रीन की जरूरत नहीं है। क्यों? मतलब क्यों जरूरत? उसका काम क्या है? उसका काम है, रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स जाएगा, आपको बैठ के थोड़ी बटन दबा के रिस्पॉन्स भेजना है, रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स लेकर जाएगा, दैट्स इट। सर वो लोड बैलेंसिंग पड़ा है, बात की बात, तो कंप्यूटर ऑफ नहीं होते कभी, उसी को तो लोड बैलेंसिंग कहते हैं। देखेंगे ना अभी अपन, सब बात करेंगे, डोंट वरी, बस मेरी बात सुनो। ये सिस्टम पे
जो भी आपने प्रोग्राम किया कि आप फाइल्स को सर्व कर दो, इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएगी, ये सिस्टम फाइल भेज देगा और जो भेजा उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। जो रिक्वेस्ट आई थी, तुमने बोला था फाइल दे दो, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड रिक्वेस्ट, और जो यहां से गया था उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। मैं इतनी बार 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 ये दो वर्ड्स क्यों बोल रहा हूं, इसी को कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो तुम्हारे कॉलेज में बहुत ही हवा बना के टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, वहां से रिक्वेस्ट आई, यहां से रिस्पॉन्स गया, ये जो पूरा नेटवर्क तुम देख रहे हो, दिस इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, दैट्स अबाउट इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आज अभी हमने बात करी सर्वर पे और क्लाइंट पे। साहब ये क्लाइंट कब बताया आपने, अभी तो बताया मैंने तुम्हें। क्लाइंट क्योंकि वो बंदा है जिसने रिक्वेस्ट करी थी, ओके, मतलब वो जो अमेरिका में बैठा था और उसने ऐसा टाइप करके रिक्वेस्ट करी थी फाइल दे दो, वो क्लाइंट है, हाँ। और ये कंप्यूटर जो फाइल भेज रहा था ये सर्वर है, हाँ। अच्छा, तो जहां से रिक्वेस्ट आती है वो क्लाइंट कहलाता है, हाँ, और जो भेजता है वो सर्वर कहलाता है, एग्जैक्टली सही है। तो हमें अभी तक समझ आ गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और अब जाएंगे आखिरी टॉपिक पे, विच इज कॉल्ड HTTP, HTTPS, एंड टू बी ऑनेस्ट ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। इसी के वजह से वेबसाइट पे गूगल क्रोम दिखाता है नॉट सिक्योर्ड, एंड वी नेवर वॉन्ट कि ऐसा हो, सही है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। हे, सो अब समझना HTTPS, HTTPS, और अब तुम सोच रहे हो ये शर्ट एकदम से कैसे बदली, एक्चुअली दूसरा दिन आ गया है, लेट्स गो। तो यहाँ पे एक वेबसाइट देखो जल्दी से, पटेल यहाँ पे पास में हो, एकदम पास में, क्लियरली क्या लिखा है, नॉट सिक्योर, ठीक है। और एक और वेबसाइट देखते हैं जरा, और यहाँ पर नॉट सिक्योर नहीं लिखा है बल्कि एक ताला बना हुआ है, और हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्री चीज, कुछ चीज़ें दिख रही हैं, और लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर, पास में लाओ और पटेल, कनेक्शन इज सिक्योर। और जब हम यहाँ लेकर जाते हैं तो ये क्लियरली कहता है भाई साहब योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, और आप प्लीज यहाँ पर कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना लिखें, क्रेडिट कार्ड का नंबर, पिन, OTP और पासवर्ड वगैरह ये सब ना लिखें। और हमें समझना है HTTP और HTTPS एग्जैक्टली है क्या, मेरी बात सुनिए। पहले एक फर्क, HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। अच्छा, तो वो जो ऐसे वो सिक्योर्ड है, हाँ। अब तुम्हें ये सब तो तुम्हारे टीचर ने बताया होगा कॉलेज में या स्कूल में, लेकिन क्या नहीं बताया इसका यूज कहाँ है और कैसे यूज होता है, कैसे चलता है, प्रोटोकॉल है, हाँ ठीक है, मतलब प्रोटोकॉल ठीक है, मतलब कैसे क्या। जैसे मैं एक स्टूडेंट था जब, तो मुझे ये सब बहुत जिज्ञासा थी जानने की HTTP एग्जैक्टली कहाँ है, इधर आओ, ये वेबसाइट है कहाँ है HTTP, मुझे पूरी वेबसाइट पे HTTP दिखाओ कहाँ है ये, या फिर ये वेबसाइट है इसमें HTTPS यहाँ पर स्क्रीन पे कहाँ दिख रहा है, ये HTTPS है कि ये है कि ये है या क्या है, मतलब इनमें से HTTPS है कौन, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड था। और मैं ये जानने में भी इंटरेस्टेड था कि आप कह रहे ये सिक्योर्ड और वो सिक्योर्ड नहीं है, कैसे, मतलब क्या है सिक्योर्ड इसमें और उसमें क्या सिक्योर्ड नहीं है, कैसे हो जा रहा है सब कुछ, समझ रहे हो ना मेरी बात को। जैसे उन्होंने कहा भाई साहब कुर्सी होती है, और तुमने जीवन में कभी कुर्सी नहीं देखी, तो तुम देखने में इंटरेस्टेड हो, तो हम बता सकते हैं एक स्टूडेंट को कि साहब ये कुर्सी है, दिस इज कुर्सी। वैसे ही तुम जानने में इंटरेस्टेड हो HTTP और HTTPS ये प्रोटोकॉल हैं कहां, कैसे दिखते हैं, किधर वेबसाइट पर अप्लाई होते हैं, राइट। चलो शुरू करते हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेट पे कभी, कभी तुमने फेसबुक खोला है, हाँ या ना, कभी facebook.com लिखा होगा और फेसबुक का पेज ऐसा खुला होगा, सही है, इस तरीके का फेसबुक का कोई पेज खुला होगा। क्या तुम ये मानते हो, हर्ष इधर दिखाओ, क्या तुम ये मानते हो कि तुमने जब अपने लैपटॉप पे facebook.com लिखा, एंटर प्रेस किया, तो इस रूम से जहां हम इस वक्त हैं, यहां से एक रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू, राउटर के थ्रू, कहीं पर अमेरिका में फेसबुक के पास गई होगी, सही है, समुद्र के रास्ते, सही है, फेसबुक के पास रिक्वेस्ट पहुंच के वहां से डेटा आया होगा और तुम्हारे लैपटॉप पे शो हो गया होगा या सिस्टम पे शो हो गया होगा, सही है। अब बात सुनो ध्यान से, HTTP प्रोटोकॉल के बिना या HTTPS प्रोटोकॉल के बिना तुम इंटरनेट पे ना ही कुछ भेज सकते हो, ना ही कुछ मंगा सकते हो। कहने का मतलब है यही एकमात्र प्रोटोकॉल है जिसके बेसिस पे इंटरनेट सर्फ मतलब सर्फ एक्सल नहीं, सर्फ मतलब चलाना, इंटरनेट सर्फ मतलब इंटरनेट चलाना की आजादी हमें मिलती है, कि फीचर्स हमें मिलते हैं कि हम इंटरनेट पे डेटा भेज सके और डेटा मंगा सके। तो डेटा का आना जाना कौन तय करता है, HTTP, हिंदी समझ गए।
ओके okay, तो सर आप ये कह रहे हो कि HTTP की वजह से हम ये देख पाते हैं। हाँ मैं यही कह रहा हूं, मैं अपने दोस्त को हेलो मैसेज भेजूंगा तो HTTP की वजह से हो रहा है। हाँ मैंने कोई फोटो डाउनलोड करी वो HTTP की वजह से हो रही। हाँ तो HTTP कहां है इस वेबसाइट में, एग्जैक्टली कहां है, मतलब ये HTTP है या ये HTTP है? सुनो मेरी बात, HTTP आप इस तरीके से आंखों से तो नहीं देख सकते, बट जिन्होंने इंटरनेट को बनाया, ये पूरा नेटवर्क बनाया कि आप डेटा इधर से उधर भेज सकते हो, उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए। कैसे रूल्स, मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा भाई साहब पहला रूल है कुछ भी भेजो तो ऐसे ऐसे भेजो, उन्होंने कहा ये एक दूसरा रूल है कुछ भी भेजो ऐसे ऐसे भेजो, कुछ भी भेजो ऐसे ऐसे भेजो। अब सवाल है कि ये जो रूल्स बना दिए मैं फॉलो नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मेरे मोबाइल में मुझे नहीं करने फॉलो, तो इसका कोई ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्हें इंटरनेट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये तुम्हारे मेरे हाथ में नहीं है कि हम कौन सा रूल फॉलो करें और कौन सा नहीं। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आइडिया, एयरटेल, जियो, BSNL और भी बहुत सारे, वोडाफोन, राइट, तो ये इनके हाथ में है कि ये उन्हें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो इंटरनेट पे रूल्स बताए गए हैं कि भाई HTTP में ये रूल्स हैं, आपके यूजर्स को आप अनुमति नहीं देंगे कि वो HTTP के रूल्स को फॉलो ना करें, तो इनके हाथ में है कि आपको हर हाल में HTTP फॉलो करना पड़ेगा टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। आई बिलीव तुम्हें HTTP और HTTPS का मेन कोर कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि फर्क क्या है। फर्क यह है दोस्त, अगर ये वेबसाइट एक HTTP वेबसाइट है, HTTP वेबसाइट है, HTTP की बारे में बात हो रही है, TPS नहीं P, ठीक है, सुनो, तो अगर मैंने इसमें ईमेल लिख दिया और पासवर्ड लिख दिया और लॉगिन बटन दबाया, अब सुनना मेरी बात, ईमेल पासवर्ड लिखने के बाद क्या होगा, हमने अभी बात की थी, रिक्वेस्ट इस लैपटॉप से निकलेगी, सही है, और कहां जाएगी, फेसबुक के पास, तो निकलेगी तो मतलब हवा में ही पैकेट्स बन के निकलेगी, सही है ना, डोंगल मैंने लगा रखा है तो हवा में पैकेट्स बन के ही निकलेगी। अब बात सुनना, मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे दूसरे लैपटॉप के हेल्प से, मैं यहां पे दूसरे लैपटॉप के हेल्प से इसकी निकली हुई रिक्वेस्ट को इस लैपटॉप पे देख सकता हूं। कैसे? उसके लिए एक एक्स्ट्रा वाईफाई डोंगल लगता है, USB जहां भी अवेलेबल हो, मार्केट में मिल जाएगा, कुछ 100-150 रुपए का आता है, और उसमें मॉनिटर मोड नाम की चीज होती है। ये क्या है? ये हैकिंग के लिए यूज होता है। अगर तुमने वो वाईफाई डोंगल लगा लिया और मॉनिटर मोड ऑन कर लिया तो क्या होगा, इससे निकलने वाले पैकेट्स को मैं यहां देख सकता हूं। अब क्या हुआ, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा हे, और ये वेबसाइट HTTP पे है, मान लेते हैं तुमने हे लिख के भेज दिया, तो जैसे ही वो हे मैसेज इससे निकलेगा मैं उसे यहां पर चेक कर सकता हूं और पढ़ सकता हूं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। और वहां से जब हेलो आएगा तो भी मैं यहां पर पढ़ सकता हूं। दिस इज ह्यूज एंड दिस इज वेरी डेंजरस। और ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसीलिए ये राइट हियर HTTPS। HTTPS क्या है, एंड आई वॉन्ट कि आप इस पे मेरी बात सुने ध्यान से, HTTPS भी डोंगल से ही डेटा निकलेगा, ऐसा हवा में, और मैं अपने लैपटॉप पे ही कैप्चर करूंगा। पर दिक्कत यह है कि जब HTTPS पे होती है वेबसाइट तो आप उसका डेटा रीड नहीं कर सकते, बिकॉज वो इनक्रिप्टेड होता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? वो इनक्रिप्टेड होता है। तो मैं आपको एक डेमो देता हूं, फॉर एग्जाम्पल राइट, मैंने अपने वेबसाइट पर कुछ लिखा, ये मेरा लैपटॉप है, ये फेसबुक अमेरिका का सर्वर है, मैंने अपने लैपटॉप से कुछ लिखा और मैंने वो हर्ष थोड़ा इधर करना, जरा कैमरा इधर ऊपर की तरफ, ताकि वो देख ना पाए मैंने क्या लिखा, इस पर मत रखना, ठीक है, इस पर मत रखना, ऊपर कहीं रख लो, राइट, मैंने कुछ लिख दिया है, ठीक है, मैंने कुछ लिख दिया है, और अब मैं रिक्वेस्ट को भेज रहा हूं, तुम यहां मिडिल मैन हो, तुम ये बैठे हो, तुमने मेरे लैपटॉप से निकलने वाले पैकेट्स रीड कर लिए, ठीक है, हर्ष ऊपर लाओ कैमरा, अब तुमने रीड कर लिया, तो जब ये मैं भेज रहा था उसके दौरान तुम्हें इसकी एक कॉपी मिली, क्या तुम देख पा रहे हो यहां पे क्या लिखा है? अरे प्लीज यार बड़े भाई, प्लीज बड़े भाई जाओ यार, इतना पसीना वसीना आ रहा है, कम से कम इसकी तो कीमत दो यार, जाओ प्लीज लाइक करो, लेट्स गो। तो तुम ये रीड कर पा रहे थे कि एग्जैक्टली मैंने रिक्वेस्ट में क्या लिखा है, जबकि मैंने वो रिक्वेस्ट तुम्हें नहीं भेजी थी, सर्वर पे भेजी थी, फिर भी तुम उसे रास्ते में कैप्चर करके रीड कर पाए, राइट। अब मैं तुम्हें एक और रास्ता दिखाता हूं,
और ये ऐसी वेबसाइट को हम HTTP बोलते हैं, ठीक है। लेट्स गो चले। ये मैंने रिक्वेस्ट भेजी, तुमने इसे कैप्चर किया, लेकिन तुम्हें इसमें कहीं भी कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। वो डेटा एक्चुअली कहां है? अंदर है। इफ वी कैन ओपन दिस डब्बा, कैन वी ओपन दिस डब्बा? यस वी कैन। वो अंदर है, राइट? और क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है तो वो डेटा यहां पहुंच जाएगा। तुम्हें इसका डेफिनेटली, तुम्हें इसका एक कॉपी मिला था, पर तुम उस कॉपी को नहीं पढ़ सकते, वो इनक्रिप्टेड है, वो सर्वर पे जाके ही डिक्रिप्ट होगा। क्या तुम मेरी बात समझ पाए? एंड यही कहलाता है HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल और HTTPS प्रोटोकॉल बेस लेवल पे सेम है। उनका एक ही काम है, डेटा को इंटरनेट पे भेजना और आते हुए डेटा को रिसीव करवाना, ये उनका काम है। लेकिन दोनों का तरीका डिफरेंट है। भेजते और आते वक्त इनक्रिप्टेड रखना HTTPS का काम है, सिक्योर रहता है। कोई मैन इन द मिडल अटैक अगर करेगा भी तो आपको बीच में जो डेटा कैप्चर हुआ था वो उसे रीड नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने HTTP फॉलो किया तो वो मैन इन द मिडल जो बीच में बैठा है वो उस डेटा को कैप्चर तो करेगा और रीड भी कर पाएगा। एंड वी नेवर वॉन्ट दिस टू हैपन। एंड दैट इज वाई कहा जाता है कि जब आपकी वेबसाइट नॉट सिक्योर्ड हो तो प्लीज कोई भी इंफॉर्मेशन ना भरें। क्योंकि अगर आपने इंफॉर्मेशन भर के ओके बटन दबाया और कोई बंदा आपके लैपटॉप के पास बैठ के आपके पैकेट्स रीड कर रहा था तो वो क्लियरली देख पाएगा आपका अकाउंट नंबर क्या है और उसका पासवर्ड क्या है। एंड वी नेवर वांट दिस टू हैपन। एंड दैट इज व्हाई माय फ्रेंड इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप HTTPS यूज करें द वेबसाइट एंड नॉट HTTP, राइट? आई बिलीव आई डिड माई बेस्ट टू मेक श्योर कि आप समझ पाए, सीख पाए। अगर फिर भी मैं आपको नहीं समझा पाया, गो एंड कॉमेंट, मैं और बेहतर प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं जरा कुछ कोड्स देखने, बिकॉज द वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुई, यहाँ से तो शुरू हुई है। लेट्स गो। ओके, तो अब समझना पोर्ट, इट्स टाइम वी शुड गो फॉर इट। भैया को निकल जाने देते हैं। भैया निकलना है क्या? निकल जाओ। थैंक यू, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो पोर्ट समझते हैं। तो मुझे इस रूम के अंदर जाना है। ये मेरा एक रूम है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, तो काफ़ी गंदा सा है, बट दैट्स ऑल राइट। मुझे इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के कुछ रास्ते हैं। पहला रास्ता दिखाऊं, ये खिड़की। दिक्कत ये है कि ये खिड़की बंद है तो मैं इसे खोल नहीं सकता, ठीक है। एक और रास्ता है मेरे पास, इधर आओ, ये दूसरी खिड़की है, राइट? मैं खिड़की तोड़ के अंदर जा सकता हूँ। एक रास्ता और है मेरे पास, वो है ये गेट। ये खुलता है, ये वाला खुलता है। तो अगर हम बात करें इस बिल्डिंग में जाने के लिए, हमारे पास तीन रास्ते हैं। एक वो खिड़की, एक ये खिड़की और एक ये गेट। और क्योंकि तीन में से दो रास्ते बंद हैं तो अब मुझे कोई एक रास्ता चूज करना होगा, ये वाला, सही है? और अब सुनो मेरी बात, किसी भी सर्वर से कनेक्ट होने के लिए, सर्वर क्या? कंप्यूटर सिस्टम, राइट? उससे कनेक्ट होने के लिए कि आप उससे चीज़ें मांग सको और वो भेज सके, हमने पहले पढ़ा था, उससे कनेक्ट होने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कनेक्ट हो जाओगे। कनेक्ट होने के लिए पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स क्या है? उनको निकल जाओ। तो पोर्ट्स क्या है? पोर्ट्स मतलब ये जो आपको कनेक्ट होने के लिए जगह दिख रही है जिसके थ्रू आप इस रूम के अंदर जा सकते हो, इन सबको हम पोर्ट्स कहते हैं। पोर्ट्स, PORTS, ठीक है। अब इसमें होते हैं क्लोज पोर्ट्स और इसमें होते हैं ओपन पोर्ट्स। क्लोज पोर्ट्स कौन से हैं? वो देखो, वो खिड़की, ये खिड़की बंद है, क्लोज्ड। ये खिड़की भी बंद है, देख सकते हो, क्लोज पोर्ट। पर ये गेट बंद तो है लेकिन ओपन भी है, तो ये कहलाएगा ओपन पोर्ट। तो एग्जैक्टली क्या है? किसी सर्वर से कनेक्ट होने के लिए पोर्ट्स होते हैं। ओके भैया, पोर्ट्स दिखते कैसे हैं? दिखते नहीं है, दो ज्यादा नंबर्स। कैसे नंबर्स? चार पांच डिजिट के नंबर्स। कुछ एग्जांपल, बिल्कुल, 3000, 3000, दैट्स अ पोर्ट। अच्छा, तो भैया मैं 3112 रख सकता हूँ? हाँ। क्या भैया मैं 2080 रख सकता हूँ? हाँ। क्या भैया मैं 3100 रख सकता हूँ? हाँ। 5200, हाँ। 8000, हाँ। तो ये सब पोर्ट्स के नंबर हैं। हाँ, क्या होते हैं? कोई भी रैंडम नंबर, चार डिजिट या पांच डिजिट का, आप उसे सेटअप कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है, आप एक नंबर सेटअप करते हो, फॉर एग्जांपल 27017 आपने सेटअप किया। अब आपको एक एरर मिलता है कि भाई साहब आप ये पोर्ट नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑलरेडी रनिंग में है। यार रुक जा यार थोड़ा, वही एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि वो पोर्ट्स रनिंग में। अब क्योंकि वो पोर्ट्स रनिंग में हैं तो आप उन पोर्ट्स पे कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी कोई बंदा वहां से कनेक्टेड है। अब मैं इससे कनेक्टेड हूं, मैं यहां बातें कर रहा हूं, तो तुम कैसे निकलोगे? हाँ, अपन तो इंसान, अपन कह सकते हैं बड़े भाई थोड़ा
किसा के तो अपन निकल जाएंगे, लेकिन मशीन के साथ ये पॉसिबल नहीं है। इफ somebody इज कनेक्टेड टू दैट पोर्ट एंड वो उस पोर्ट के थ्रू डेटा मांग रहे हैं दे रहे हैं, तो दैट somebody इज ऑलरेडी कनेक्टेड। अब कोई अगला बंदा वहां से कनेक्ट नहीं हो सकता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? दैट्स पोर्ट्स थिंग। अब यहाँ पे और लोग निकले, लेट्स गो इनसाइड। तो पोर्ट्स की कहानी आई बिलीव तुम्हें थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। एक सर्वर है, डब्बा कुछ ऐसा मान लो, एक डब्बा है ठीक है, और इसमें इसमें क्या है, तुम नंबर्स वाले पोर्ट दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि कनेक्ट होने वाला पोर्ट है, ना ना ना, नंबर्स होते हैं, 4 डिजिट 5 डिजिट के नंबर्स, कोई भी रैंडम नंबर अपने हिसाब से, राइट। और तुमने वो सेटअप कर दिया, तुमने कह दिया ये मेरा डब्बा है, ये मेरा सर्वर है, और इसमें मैंने एक नंबर लिख दिया 1234, 1234 ओपन है। तो अब तुम इस सर्वर से 1234 के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, गेट है वो, ऐसा समझ लो, राइट। और बाकी कौन कौन से बंद है? 1235 बंद है। क्यों? क्योंकि आपने से ओपन नहीं किया। पॉइंट समझ रहे हो ना? 1212 भी बंद है। क्यों? क्योंकि आपने से ओपन नहीं किया। ओपन क्या है? 1234। क्यों? क्योंकि आपने बोला 1234 ओपन है, तो आपका कनेक्शन 1234 के थ्रू इस कुर्सी से कनेक्ट हो सकता है। इट्स दैट सिंपल। तो वो बस आपके मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, तो वो नंबर हम अपने मन से रख सकते हैं? हाँ। कैसे? जो आपकी सेकेंड वीडियो अब आएगी बैकएंड की, जो कोड के बारे में, उसमें आपको पता चलेगा कैसे, ठीक है। तब तक क्या जाओ फिर भाई, वीडियो को लाइक वाइक करो यार, कैसी बातें कर रहे हो बड़े भाई, कमेंट करो एंड हमें बताओ कि आर वी डूइंग गुड इस टाइप की वीडियो बना के, एंड इज इट यूजफुल और नॉट। सही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और मुझे उम्मीद है आप अगले वीडियो का वेट करेंगे। बाय बाय।